को एक बार फिर नमन करता हूँ। और आज मैं आपको थोड़ा सा रोजगार संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिसमें मैं शुरुआत करूँगा कि पहले वक्त तो द्वारा यहाँ बताया गया उसी की चीज़ों को आगे लेके बात करूँगा। यहाँ सभी ने एक नीति पे बात किया कि हर एक चीज़ का नीति होता है, जैसे मिस्टर सूर्यकांत जी ने सरकारी नीतियों के बारे में बताया, तो मैं उसी कड़ी को आगे भी लेना चाहता हूँ। देखो, कोई व्यक्ति रोजगार बेरोजगार तभी होता है जब वो प्रयास नहीं करता, किसी चीज़ को प्रोसेस पे काम नहीं करता। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ योजना होती है, हर एक चीज़ की प्रक्रिया होती है, जिसमें हमको उस प्रक्रिया को फॉलो करने से हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ सूरज सर के द्वारा एक संस्थान संचालित किया जा रहा है, जो एक प्रोसेस के तहत हो रहा है कि आपको इतने समय अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप ये पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन प्रायः क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट वहाँ आता है लेकिन पूरी तरह उस कोर्स को कर नहीं पाता है और वो बोलता है कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हमको बस एक प्रोसेस में काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको कहीं भी रोज़गार चाहिए तो आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने करीब जो सबसे व्यक्ति या रोजगार में है या सफल व्यक्ति है, उनसे जाकर मिलकर आप बात कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ प्राप्त करने में आपको क्या करना है, क्या किया होगा आपने। बस वही व्यक्ति आपको पूरी तरह सलाह दे सकता है और आप सफल हो सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि अगर कुछ भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप प्रोसेस पे ध्यान दें और प्रोसेस पे सारे कार्य करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी और कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा। या तो व्यक्ति खुद स्वरोजगार करेगा या लोगों को रोजगार देगा या उसको रोजगार 100% मिल सकती है। ओके, थैंक यू।